हाँ बच्चों पॉलिनोमियल में, यस बच्चों ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल इसके अंदर हम अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आइडेंटिटीज जो हैं वो आपको मैंने याद करने को बोला था, आपको याद होगी होंगी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा क्वेश्चंस। इस टॉपिक का नाम और रख देते हैं अल्फा बीटा क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसमें डाउट्स हैं या असाइनमेंट वाली में डाउट्स हैं? असाइनमेंट वाली में। तो स्टार जो है हमारी, कौन सी स्टार कर रहे हैं? स्टार फोर कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टार फोर बच्चों आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, स्टार फोर। सभी बच्चों के पास ये असाइनमेंट है और स्टार फोर निकाल लो बच्चों। स्टार फोर ये सोचो, पॉलिनोमियल है मेरे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, ठीक है। लेट अल्फा बीटा आर जीरोज, लेट कर लो बच्चों अल्फा बीटा आर जीरोज, दो जीरोज हैं इसकी अल्फा और बीटा, तो बताओ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू उठाओ बच्चों क्या होगी यहाँ से? माइनस सिक्स। बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस सिक्स। यही बच्चे गलती करते हैं, बी की वैल्यू क्या होती है? कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट माइनस सिक्स है, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों? थ्री। आप इसको सोल्व करो, सिक्स बाई थ्री कितना हो जाएगा? टू। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितनी है? फोर। देखो ये ए होता है, ये बी होते हैं और ये सी होता है, राइट। सी की वैल्यू क्या है बच्चों? फोर, और ए की वैल्यू कितनी है? थ्री, तो फोर बाई थ्री। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एग्जाम में आएगा। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, आइडेंटिटीज मुझे याद है, मुझे याद है, ओके, तुम्हारा पता नहीं मुझे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां से टू। देखो कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी, वो तुम्हारी हेडेक है। कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर कैलकुलेशन के कारण मेरा आंसर नहीं आया, ये सिक्स सेवन क्लास का काम करना तुम्हारी हेडेक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू, टू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? फोर, और माइनस टू इंटू फोर एट बाई थ्री। अब एलसीएम लो, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस वन इंटू एट, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्वेल्व माइनस एट कितना हो जाएगा? फोर बाई थ्री। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया फोर बाई थ्री। अब नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। इसकी आइडेंटिटी सुबह जल्दी बता बेटे, इतनी देर नहीं लगती, सोहम फास्ट बेटे। सर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना टाइम नहीं लगता बेटे, फास्ट बच्चे चाहिए फास्ट, ओके। आइडेंटिटी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, इतना स्लो नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, फोर बाई थ्री। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा बच्चों? फोर बाई थ्री होल स्क्वायर माइनस टू। ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है ना, ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर होता है, दिस इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? फोर बाई थ्री। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो फोर बाई थ्री। अब इसको आप सोल्व करो, फोर स्क्वायर क्या होगा? सिक्सटीन बाई नाइन। टू इंटू फोर स्क्वायर क्या होगा? सिक्सटीन बाई नाइन। अब इसका एलसीएम ले लो, और सिक्सटीन बाई, अच्छा सिक्सटीन बाई नाइन कॉमन आ रहा है, पता है कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या रह गया? वन माइनस यहां पर क्या रह गया? टू। ये भी एक तरीका होता है सोल्व करने का, आता है, नहीं तो एलसीएम ले लेना कॉमन, मैंने कॉमन लेना सीखा है, कॉमन लेना। देख 16 मैंने यहां भी है, यहां भी है, मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया? वन, वन माइनस टू माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 16 बाई नाइन। अगर ये नहीं आता तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने पर आंसर यही आएगा, तो ये नया तरीका सिखाया मैंने, एग्री बच्चों, राइट। अब ये बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिया ये वाला सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
बिना सांस लिए मुझे वाणी फॉर्मूला सुनाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, टू। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू पुट कर दो, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, फोर बाई थ्री, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है टू बच्चों, ओके। अब इसको सोल्व करो, आप सोल्व करो बच्चों, टू क्यूब कितना होगा एट, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर टू का क्या होगा एट, एट माइनस एट क्या हुआ जीरो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। अब आते हैं बच्चों फोर्थ, बच्चों इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा सिक्स प्लस बीटा सिक्स, बताओ इसका फॉर्मूला जल्दी बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, फोर बाई थ्री, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फोर बाई थ्री का क्यूब माइनस थ्री अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास फोर बाई थ्री, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फोर बाई थ्री। अब ये जो कैलकुलेशन का काम है ना, ये तुम्हारा काम है, राइट, नहीं आता तो मम्मी से करवा लेना, ठीक है। फोर क्यूब कितना होगा बच्चों, सिक्सटी फोर बाई ट्वेंटी सेवन, थ्री स्क्वायर नाइन होता है, कहीं थ्री से थ्री काट दो, कटिंग होगी पर एक थ्री बच जाएगा फिर, ठीक है, नहीं तो ये वाला थ्री काट सकते हो, ये वाला थ्री, ओके। अच्छा फोर स्क्वायर कितना होगा बच्चों, सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर था कितना हुआ सिक्सटी फोर, और थ्री स्क्वायर क्या होगा नाइन। अब आप इसका एलसीएम लो तो एलसीएम ट्वेंटी सेवन आएगा। अच्छा देख यहां भी सिक्सटी फोर कॉमन आ रहा है, अगर ये कॉमन लेना सीख जाओ ना तो मैथ आसान हो जाता है, यस, ये तुम्हें गेम खेलना आना चाहिए, नहीं तो अगर देखो कॉमन नहीं लोगे, कॉमन नहीं लोगे तो आप 9 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, या एलसीएम 27 लोगे तब भी कैलकुलेशन करोगे ना, थोड़ी मुश्किल है। मैं चाहता हूँ 64 कॉमन लेना सीखो ना, बड़े हो रहे हो ना, कॉमन लेने से हमारे पता है बड़े क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। देख इधर देखो आप, मैं यहाँ पर तुम्हें कॉमन लेना सिखाता हूँ, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है बच्चों, तो अंदर यहाँ पर क्या बचा 1/27 माइनस 1/9, अब इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 27, राइट, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 27, 1 माइनस 3 कितना होता है बच्चों माइनस 2, 64 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 128 अपॉन 27, क्लियर हो गया, राइट। तो अब इसके बाद मैं पहले नोट कर लू फिर मैं इसको रख कर, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, कितने हो गए थे तीन या चार, चार, फिफ्थ बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यस बच्चों अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, पेंसिल लो, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4/3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी 4/3 है और अल्फा बीटा भी 4/3 है, तो ये कैंसिल हो गया तो वन आंसर आ गया, ठीक है, बाद में नोट कर लो, पहले आप समझ लो। नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, हमेशा कॉमन लेना सीखो, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों इन दोनों में से, एक तो अल्फा आ रहा है और एक बीटा आ रहा है, जो लीस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है, जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आती है, तो मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों क्या रह गया एक अल्फा रह गया और यहाँ पर एक बीटा रह गया, क्लियर, ये कॉमन लेना सभी को आना चाहिए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, 4 टू 8/3, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सेवंथ बच्चों देखो आप, अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, ये सोचो इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या आ रहे हैं, एक तो अल्फा क्यूब आ रहे हैं एक बीटा क्यूब आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अल्फा रह जाएगा और एक बीटा रह जाएगा। अब ये अल्फा बीटा होल क्यूब बोल नहीं सकते,
अल्फा क्यू बीटा क्यू क्या होता है, अल्फा बीटा होल क्यूब, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 4 क्यूब क्या होगा 64 इंटू 2 कितना हो गया 128, और 3 क्यूब कितना होगा 27, क्लियर। अब नेक्स्ट बच्चों 8th में आपको करवा रहा हूँ, ओहो नहीं समझे तुम, मेरी काउंटिंग अलग होगी है, अब सीक्वेंस चेंज हो गया मेरा, अपना सीक्वेंस है। यस बच्चों, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3/अल्फा/बीटा। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखो, अब इसका आप क्या करो, पहले इतने पोर्शन को अलग कर लो बच्चों, इसका देखो आप, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको सोल्व करने पर देखो इसका आंसर आ चुका है ना, मैं सीधा 1 क्यों ना लिख दूं, देखो ना सोल्व किया हुआ है राइट, तो आपको तो एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा, तो मैंने इसका आंसर क्या लिख दिया 1। अच्छा अब यहां पर एलसीएम लेना बच्चों, बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा और नीचे अल्फा बीटा प्लस 3/अल्फा/बीटा, तो इसको सोल्व करते हैं 1 प्लस 2, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये पता नहीं 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 टू 4 3 और नीचे 4 आ गया, 2 into 2 4, और ये 4/3 का 3/4 और प्लस में 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 + 3 7 और +1 8 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है यहां पर हो सकते हैं, ये सोचो अब बोर्ड पर देना 1/9th में करवा रहा हूं, 1/2 अल्फा + बीटा प्लस 1/2 बीटा + अल्फा, तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो 2 बीटा + अल्फा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा + बीटा, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा × 2 बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा/बीटा, और 2 अल्फा × 2 अल्फा 2 अल्फा² बीटा × 2 बीटा 2 बीटा² और +β × 2 अल्फा (α/β). अब ऊपर देखो आप 2 बीटा और बीटा कितना हो गया 3 बीटा, और α/2 अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा, और नीचे बचो 4 अल्फा/बीटा और α/β 5 अल्फा/बीटा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो अंदर क्या रहेगा α² + β² अच्छा ऊपर से 3 कॉमन ले लो, ऊपर से 3 कॉमन ले लो, तो α + β रह जाएगा अंदर, और α + β की वैल्यू कितनी है 2, तो आप 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा 2, और 5 × α/β की वैल्यू 4/3 है, और α² + β² आप पहले सोल्व कर चुके हो इसका आंसर 4/3। अब इसको सोल्व करने बच्चों 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20/3, और 4 × 2 = 8/3, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 28/3 और 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, एग्री बच्चों, 2 से कटिंग हो रही है बच्चों, 2 3 = 6 और 2 14 9/14 आंसर आ गया, नोट करो बच्चों इसको। सोचो अब नेक्स्ट आप देखो 10th बच्चों पार्ट में ऐसा करवा रहा हूं, 10th पार्ट मैं मुश्किल से उठा रहा हूं, मैं बीटा अपॉन 2α + 3, बीटा अपॉन 2α + 3 प्लस अल्फा अपॉन 2β + 3। ये सोचो आप बोर्ड पर देखो, आप सभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो बच्चों, β × 2β क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2β² β × 3 कितना हो जाएगा 3β, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो α × 2α क्या हो जाएगा 2α² और प्लस में क्या आएगा 3α, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो 2α × 2β क्या हो जाएगा 4α/β, 2
टू अल्फा को थ्री से करो सिक्स अल्फा, थ्री को टू बीटा से करो सिक्स बीटा, प्लस थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन। अब आप बोर्ड पर देखो बच्चों सभी, टू बीटा स्क्वायर और टू अल्फा स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों टू, तो अंदर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, और थ्री बीटा और थ्री अल्फा में से कॉमन क्या आ रहा है थ्री, तो अंदर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर देखो फोर अल्फा बीटा और सिक्स अल्फा और सिक्स बीटा में से कॉमन क्या आ रहा है सिक्स, तो ये आपको कॉमन लेना आना चाहिए, सिक्स अल्फा और सिक्स बीटा में से सिक्स कॉमन लेंगे तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अच्छा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बच्चों तुम्हारे पास, फोर बाय थ्री प्लस थ्री इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों टू, और नीचे फोर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है फोर बाय थ्री प्लस सिक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों टू, और प्लस में नाइन। इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ जरा, तुम सोल्व करो, चलो ये रफ अर्थ में सोल्व करना, इसको सोल्व करो रफ अर्थ में और मुझे आंसर बताओ, देखते हैं तुम्हारा मैथ्स कैसे है, जल्दी बताओ बच्चों। ओके okay, बच्चों देखो आप बोर्ड पर, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों 26/79, 26/79 इज द फाइनल आंसर। हाँ बच्चों नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं, इसी में देखो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, मुश्किल नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों बताओ, आइडेंटिटी लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ट्वाइस हो गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डबल हो गया ना ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ, बोलो नहीं बच्चों, और ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फोर बाय थ्री, फोर टू जा एट बाय थ्री, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, यस बच्चों अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, हाँ बच्चों कैसे करोगे आप इसको बताओ, इसका एलसीएम ले लो आप, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे क्या आएगा बच्चों अल्फा बीटा, बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम सोल्व कर चुके हैं, चेक करो बच्चों मुझे बताओ आंसर इसका जीरो, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है तो जीरो बाय फोर बाय थ्री, कितना आंसर होगा, नेक्स्ट बच्चों, हाँ बच्चों एक और लिखो वो जो था ना अल्फा माइनस वन, वो कौन सा था बच्चों बताना, जो अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन और बीटा प्लस वन, यस बच्चों लास्ट है ये कर लेते हैं हम, फिर अच्छे से इसकी वीडियो तैयार हो जाएगी ना, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन और प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, तो घर पर जब प्रैक्टिस करोगे इसकी इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल अपने आप कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है ना, बस ये सारे क्वेश्चंस आपको 13 के 13 क्वेश्चन बार बार करने हैं क्योंकि इनमें से एक एग्जाम में जरूर आएगा, एक आएगा। अच्छा बच्चों अब एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बच्चों इसको इसको मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस वन इंटू बीटा क्या होगा माइनस बीटा और माइनस वन, इसको इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, बताओ ऊपर कुछ कैंसिल हो रहे हैं, देखो आप प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बच्चों ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो रहे हैं, माइनस बीटा प्लस बीटा भी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, अब बच्चों अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना हो गया टू अल्फा बीटा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, और नीचे अल्फा बीटा और इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में ले लो, इन दोनों को तो प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन, अब वैल्यू पुट कर दो टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों फोर बाय थ्री माइनस टू, और अपॉन में
अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2+2 और 1, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो 4 to the 8/3 - 2 और नीचे 4/3 + 3, इसका एलसीएम लो 3 to the 6, 8 - 6 कितना होगा 2/3, 3 to the 9 और 4, 13/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2/13, क्लियर? नोट करो बच्चों।